800 सब्सक्राइबर। खाना बता दो, कैमरा बंद कर दिखवा देता। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि बढ़िया हो गए। तो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो शाम का हो रहा है 5:45, यानी कि 6 बजने वाले हैं। और आज इतनी शाम को वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअली गाइज ना, अपने चैनल पे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई, लेकिन धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 800 लोगों को ना मैंने अपनी लाइफ में भाई अपनी मेहनत से जोड़ा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि 200 जन बाकी हैं, 200 जन सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे चैनल पे 1K लिखा आ जाएगा। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ना एक्साइटमेंट है अंदर से कि हाँ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। तो आज मैं क्या सोच रहा है ना, कि हर 100 सब्सक्राइबर पर हम लोग ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस बार मैं क्या सोच रहा कि 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो शाम का टाइम हो रखा है, तो मैं और अमन ने प्लान किया कि चलो चलते हैं रिंग रोड साइड पर कुछ खाते पीते हैं। भाई आ चुके हैं हाईवे पे, घर से निकल चुके हैं, और जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है शाम के 6:12। और सामने अमन कहीं इधर ही खड़ा है, उसको लेते हैं और उसके बाद फिर मस्त बातें करते हुए चलते हैं, थोड़ा डिस्कस वगैरह करते हैं नेक्स्ट आने वाली ट्रिप के लिए। कहाँ गया भाई? सामने तो लाइट वाइट जला के रखा है घर पर, और लाइटें देखो मैंने चेंज करवा दी बाइक की, वाइट वाली करवा दी, ब्लू था इससे पहले। और आ चुका है भाई। भाई अभी हम लोग रिंग रोड के पास आए, लेकिन यहाँ पे तो भाई गजब जाम लगा है, और जाम किस वजह से लगा है? ये ट्रक्स वालों की। भाई रॉन्ग रूट से हम लोग को जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा लगा है ना कि हम लोग राइट वे से जा ही नहीं सकते। भाई जाम देखो, अभी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ज़्यादा उधर नहीं ज़्यादा, बहुत भयंकर जाम लगा है भाई। इस साइड देखो, और चलो भीड़ तो उतना नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। तो बाइक इधर ही कहीं खड़ी करते हैं। आ चुके हैं मस्त रेस्टोरेंट में, बाहर कहीं बैठेंगे भाई, मस्त अंदर बैठेंगे नहीं, बाहर बैठते हैं, मस्त एकदम एंजॉय करते हैं बाहर बैठ के। भाई 800 का पार्टी दे रहा हूँ, 800 सब्सक्राइबर भाई। क्या भाई, जो खाना है बता दो, कैमरा बंद करने के बाद बताओगे? भाई आज बढ़िया, काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने अंडा ऑर्डर किया, अंडा करी। भैया को वेट नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, ये वेट करते करते थक गए हैं। और सामने का मस्त व्यू है, व्यू का एंजॉय लेते हुए मस्त अपना अंडा करी खाते हैं हम लोग। मस्त अपना अंडा करी हम लोग खा चुके हैं, अभी यहाँ से निकल रहे ना, लेकिन हाँ आगे चलते हैं ना, चाय की शॉप दिखाते हैं आपको, वहाँ पे भीड़ देखना आप लोग, कितनी भयंकर भीड़ रहती है। बोल दे भाई तुम चलता है भाई तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? मज़ा आ गया खा के अंडा करी, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग अंडा करी खा रहे हैं। रिंग रोड की देखो लाइटें जल चुकी हैं भाई, का पता नहीं कब जलता है भाई, कुछ कंफर्म नहीं रहता है, कभी कभी जल्दी जल जाता है, कभी कभी लेट आ रहा था तो लाइट नहीं जल रही थी। यहाँ पे चाय की शॉप है, यहाँ पे चाय के लिए भाई बहुत भयंकर भीड़ लगती है यहाँ पे, तो रुकूँ या ना रुकूँ? रुकूँ चलूँ? चलो जान दो भाई, चाय नहीं पियेंगे भाई, चाय का प्लान कैंसिल हो गया। अभी मेरे को थोड़ा सा ना मूँगफली दिख गया, मूँगफली ले लेता हूँ फिर उसके बाद चलता हूँ। भाई कैसे है, गर्म है ना? गर्म है अभी, दे दो दे दो। मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल क्या हुआ ना कि मैं घर पे आया, वीडियो एंड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी हो गया, फिर उसके बाद सो गया। बट आज देखो गाइस नेक्स्ट डे, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो मॉर्निंग का हो रहा है 9:13। तो अभी मेरे को एक इंपॉर्टेंट काम है भाई। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं अपनी बाइक सर्विस करवा रखा हूँ, 2 दिन हो गया सर्विस करवाए हुए, उस पर ना पूरा ऑयल वगैरह चिपका हुआ है जो कि कपड़ों में लग रहा है, और बाइक भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो आज मैं क्या सोच रहा, चलता हूँ बाइक को धुलवाता हूँ, धुलवा के आता हूँ, फिर अमन के घर चलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे। ये हो रखा है बाइक का हालत, ये सारी चीज़ देखोगे ना भाई तो सारा ऑयल वगैरह सब लगा हुआ है, सर्विस करवाया था मैंने तो धुला नहीं है बाइक, तो अभी आज चलेंगे धुलवाने के लिए। मौसम भी बहुत 2-3 दिन से ख़राब हो रखा था, पूरी बाइक की हालत देखो एकदम ख़राब हो रखी भाई। भाई सिर्फ पानी लगा है, उसके बाद देखो अभी से ये तो चमक चुकी है पूरी। अपनी बाइक देखो चमक चुकी है एकदम मस्त। और अभी मैं आया हुआ था ना रिंग रोड फेस 3 के पास, और यहीं से मैं एक नई वीडियो शूट करने वाला हूँ। बट बाइक क्या लग रही है भाई, एक नंबर लग रही है, एकदम मस्त लग रही है, चकाचक हो चुकी है, अभी सारे स्टिकर्स वगैरह एकदम चमक चुके हैं भाई। और भाई जब बाइक धुल जाती है ना तो एक बार प्यार हो जाता है भाई बाइक से। और मेरी बाइक भाई देखो 3 साल हो गया मेरे को ली हुई, लेकिन अभी तक एकदम चमचमा रही है।
भाई अभी मैं वहाँ से चल के आया, यहाँ पे देख रहा हूँ एक चीज़, पता है क्या? एक्चुअली ना वाराणसी से आजमगढ़ वाला जो हाईवे है वो रिंग रोड के पास आके ख़त्म हुआ था, ठीक है, बट उसे ना अभी भी तरह से ना बनाया जा रहा है, जो कि जाएगा मेन सिटी में एंटर। तो ये देख रहे थे ना, ये काम चल रहा था, बट मेन चीज़ बताता हूँ क्या हुआ। ये सामने आप जितने भी देख रहे हो इस साइड पर ना, इन लोग को नोटिस मिल चुकी थी, तो जितने सारे लोगों ने अभी तक हटाया नहीं था यहाँ से अपनी चीज़ों को, देखो यहाँ पर हटाया जा रहा है पूरी तरह से। जेसीबी आ चुकी है, जितने भी मतलब अवैध तरीके से रोड साइड पे थे ना, देखो ये नया रेस्टोरेंट खुला था, ये पूरा हट रहा है यहाँ से, इधर पूरा हटाया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, देखो ये निकाला जा रहा है, पूरा काम पूरी तरीके से हो रहा है। देखो कितनी सारी फोर्स लगी है यहाँ पे, सब कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक शॉप थी उसको भी हटा दिया गया है। ये देखो जितने अवैध तरीके से मतलब लगे हुए थे ना रोड साइड पर, सब कुछ हटाया जा रहा है। सही है, ये देखो ये सामने आप वाराणसी से आजमगढ़ वाले हाईवे पे कनेक्ट हो जाओगे। अब ये देखो वाराणसी से आजमगढ़ वाला हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता था, बट इसके आगे अब जाएगा ना ये मेन सिटी में पूरा हाईवे।